know what is the reason behind this, but I can't do anything. Obviously, सोचेंगे जरूर कि सामने वाली टीम 50 रन पर आउट हो जाए, तो कोशिश जरूर करेंगे कि जो टारगेट आपके सामने ही, कोई झुकी छुपी बात तो है नहीं कि देखें. बिल्कुल ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मैचेस में कम बैक किया, अब चीज़ें ऐसी आ गई जो कि आपके हाथ में नहीं है, रन रेट वैसा आ गया, तो ऑब्वियसली एज ए टीम लड़कों में डिसअपॉइंटिंग जरूर है. हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें आई सामने तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है. लेकिन ये कि लड़के मोटिवेटेड हैं, कोशिश की लड़कों से ये कि भाई हम जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हम वो चीज़ करें, और कल के मैच में पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरें और कोशिश करें कि ये मैच जीत होगा, मुआवजा हो जाएगा, सामने वाली टीम आउट हो जाएगी, हम 500 रन करें. और कोशिश तो करेंगे 500 रन करने की, पूरी ट्राई करेंगे. लेकिन देखें, अगर आप उन पिचेस को देखें तो वो पिचेस ऐसी नहीं थी कि आप वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खुली क्रिकेट खेलते, क्योंकि आपके सामने वो जितने ही मैचेज हुए बहुत ज़्यादा गेंद टर्न हो रहा था, बहुत ज़्यादा फंस के आ रहा था, तो इतना आसान नहीं था अभी. तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये चीज़ हो गई है. 316 रन का बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है. इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे, बाकी अल्लाह माने. देखिए पैटर्न्स के बारे में तो ऑब्वियसली ये देखें पहले से ही डिसाइडेड था, सारा कुछ पहले से बना हुआ था. बस मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हम अनलकी कह दें कि हमारा जो पहला मैच था शायद वो, जिसकी मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच था, क्योंकि उस मैच में हम लोग आए नहीं और बहुत कम रन्स पर आउट हो गए, जिसकी वजह से हमें शायद ये रन रेट में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला. फिर इंशाल्लाह मेकअप माइंड कर लिया, जो बेस्ट पॉसिबल टीम होगी इंशाल्लाह वो कल उतारेंगे मैच में. देखें ऑब्वियसली एक तो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो मुझे अगर अब हमारी इस पूरी जर्नी को देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, जहाँ पे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी. अगर हम उस मैच को जीत जाते तो आई थिंक पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती. तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में थी और एज ए टीम हमने उस चीज़ को लूज़ किया, जिसकी